गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में क्या था, सरल रेखीय गति का चैप्टर शुरू किया था और उसमें जो डेफिनेशंस थी उस चैप्टर में वो बताई, ठीक है। आज डेरिवेशंस करेंगे। डेरिवेशंस में क्या है, ये भी नाइन्थ में कर रखा है, गति की समीकरणों का निगमन, ठीक है। गति की समीकरणों का निर्माण करना है। गति की समीकरण नाइन्थ में पढ़ी, कितनी समीकरण होती है, तीन समीकरण होती हैं, तो उन तीनों समीकरणों का निर्माण करना है आज में। तो गति की समीकरणों का निर्माण की दो विधियां दी हुई हैं, फर्स्ट चैप्टर में ग्राफीय विधि दे रखी है और समाकलन विधि दे रखी है। तो पहले हम किसकी कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफीय विधि से करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, तीनों समीकरणों के लिए ग्राफ यही रहेगा, ठीक है। समझ लीजिए बनाते कैसे, तो इसलिए स्केल हम क्या रखते हैं कि माना कोई गतिमान वस्तु एक समान त्वरण a से गतिमान है, यानी कोई गतिमान वस्तु है जो एक समान त्वरण a से गतिमान है, ठीक है, जिसका t बराबर 0 पर वेग कितना u है, यानी उसका t बराबर m जिस समय गति करना प्रारंभ करती है उस समय उसका वेग कितना u है, यानी प्रारंभिक वेग कितना उसका u है। तथा t समय बाद उस वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तथा इतने समय में वो as वेग स्थापित हो जाती है, ठीक है। अब इस समय ग्राफ बनाना है। ग्राफ कौन सा बनाते हैं, वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का मतलब y एक्सिस पर तो किसे दिखाते हैं, वेग को दिखाते हैं, ठीक है, और x एक्सिस पर किसे दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं, ठीक है। वेग समय ग्राफ बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये विशेषता समझ लीजिए, वेग समय ग्राफ जब बनाते हैं और वेग समय ग्राफ में यदि वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो वेग समय ग्राफ में उसकी जो रेखा मिलती है सरल रेखा मिलती है, सीधी रेखा। आगे समझ में, वेग समय ग्राफ में यदि गतिमान वस्तु का की एक सीधी रेखा मिल रही है तो इसका मतलब वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, ठीक है। वेग समय ग्राफ में यदि सीधी रेखा मिलती है तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, ठीक है। तो वस्तु हमारी एक समान त्वरण से गतिमान थी, तो मैंने कैसे बनाया है ग्राफ, इस तरीके से बनाया है कि पहले क्या खींचे, एक्स खींचे, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। एक्स एक्स पे मैं समय को दिखा रहा हूँ, वाई एक्स पे कैसे दिखा रहा हूँ, वेग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें अपनी थ्योरी में लिखा है कि टी बराबर जीरो पर उसका वेग कितना है, यू है, यानी समय तो कितना है, जीरो है, और वेग कितना है, यू है। तो कहाँ से हुआ, नहीं यहाँ से, यहाँ पर देखो इस बिंदु पर समय तो, क्योंकि मूल बिंदु हो गया जीरो जीरो, समय भी जीरो वेग भी जीरो, तो इस पर समय तो जीरो है पर वेग जीरो नहीं है, वेग कितना है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी कितनी होगी। अब क्योंकि कैसे त्वरण से गतिमान एक समान त्वरण से गतिमान है, तो मतलब एक सीधी रेखा मिलेगी हमें, तो सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है, ए से बी पर आ गया, ठीक है। ए से बी पर उसमें लिखा है कि टी समय बाद वस्तु का वेग कितना था, वी, यानी यहां पर वेग कितना हो गया होगा, वी, यानी यहां से यहां तक के लिए टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है। इसे मैंने मिला दिया, ये पॉइंट मान लिया मैंने कितना सी, ये यहां से यहां तक यू है तो ये भी कितना हुआ, यू होगा, ये टोटल कितना है, वी है, तो ये कितना बचेगा, इस वी में से इसे यू को डाल कितना बचेगा, वी माइनस यू, ठीक है। अब कितने समय बाद हुआ था, टी समय बाद, यानी यहां से यहां तक, यहां पर समय कितना टी है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, टी होगी, ये टी है तो ये भी कितना होगा, टी होगा, ये ऐसे ग्राफ बनाया है, ठीक है। चाहे कोशिश समीकरण आए पहले दूसरी तीसरी, ये थ्योरी भी समझने जैसे लिखी जाएगी, ये ग्राफ भी सबके जैसा होगा, ठीक है। निगमन अलग अलग तरीके से करेंगे, तो पहले समीकरण का निगमन करना है, तो पहले समीकरण में फिर निगमन करने के लिए एक विशेषता और होती है कि वेग समय ग्राफ में जो रेखा मिलती है हमें, उस रेखा की जो ढाल होती है, ढाल का मतलब प्रवणता जो होती है, वो किसके बराबर होती है, उस वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। तो सरल रेखा कौन सी मिली हमें, ए बी, तो इस रेखा ए बी की जो ढाल होगी, ढाल होगी किस प्रकार होगी, उस वस्तु के त्वरण के बराबर होगी। तो यही लाइन हम लिखते हैं कि गतिमान वस्तु का त्वरण a बराबर होगा सरल रेखा ab की ढाल, और ढाल क्या होती है, प्रवणता, प्रवणता tan theta पड़ी होगी, m बराबर कितना होता है, tan theta। तो त्वरण a बराबर कितना, ढाल को लिखा हमें कितना, tan theta, और tan theta क्या होगा, त्रिभुज में लंब बटे आधार, लंब क्या है इस त्रिभुज का, bc, और आधार क्या है इसका, ac, तो मैंने ये लिखा होगा BC बटे AC, ठीक है। अब BC की वैल्यू कितनी है, V माइनस U, तो BC की वैल्यू रखते V माइनस U, और AC की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखें यहाँ तक की दूरी कितनी है, T है,
टी एसी की वैल्यू कितनी बची है टी, ठीक है, तिरछी गुणा कर लिए तो वी माइनस यू बराबर कितना हो गया एटी, या वी बराबर कितना हो जाएगा यू प्लस एटी, ठीक है, सिंपल सा है। देखेंगे सरल रेखा ए बी की ढाल, ए बराबर कितना होगा टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है उसका बी सी और आधार क्या है उसका ए सी, बी सी की वैल्यू कितनी है वी माइनस यू है और ए सी की वैल्यू कितनी है टी है, तिरछी गुणा कर दीजिए कितना जाएगा वी माइनस यू बराबर एटी, या वी बराबर कितना जाएगा यू प्लस एटी। लीजिए गति की पहला समीकरण हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा समीकरण पर, ग्राफ यही रहेगा, बस करने का तरीका बदल देगा प्रूफ। देखिए द्वितीय समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे हम, देखिए द्वितीय समीकरण का निर्माण दूसरा समीकरण होती है एस बराबर यूटी प्लस एक बटे एटी स्क्वायर, तो उसमें क्या आता है एस आता है दूरी आती है गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, व्यवस्थापन, तो वेग समय ग्राफ में सरल रेखा द्वारा उस वस्तु द्वारा जो तय की दूरी होती है वो उस रेखा द्वारा घिरे क्षेत्रफल के बराबर होती है, ठीक है, समझ लीजिए ए से बी तक जाने में यानी वेग यू से बी होने में टी समय लगा है, टी समय में उस वस्तु द्वारा तय की दूरी होगी, तो इस ग्राफ की रेखा में ये भी मिली ना, तो उस इतने समय में तय किया गया जो विस्थापन होगा वो इस रेखा ए बी द्वारा इस ग्राफ में जितना क्षेत्रफल घेर रखा है उस क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो कितना क्षेत्रफल घेर रखा है ये पूरी आकृति घेर रखी है ना, ठीक है। अब ये आकृति दो भाग में है, त्रिभुज बन रहा है और नीचे आयत बन रहा है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इस वस्तु द्वारा तय की दूरी निकालनी है, और तय की दूरी किस बराबर होगी इस आकृति के क्षेत्रफल के बराबर, और ये आकृति कितनी दो आकृति त्रिभुज एबीसी है और आयत एओडीसी है, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे गतिमान वस्तु द्वारा तय की दूरी जो होगी वस्तु द्वारा तय की दूरी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओएसीडी का क्षेत्रफल, ठीक है, और त्रिभुज एबीसी का त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है एक बटे दो आधार गुणा लंब, तो फॉर्मूला बोल दिया है एक बटे दो आधार कितना था त्रिभुज का एसी और लंब कितना था बीसी और आयत क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है ओए और चौड़ाई कितनी है ओडी, ठीक है, बस मान रख दीजिए अब एसी की वैल्यू कितनी है जी एक बटे दो ए सी की वैल्यू कितनी है टी, बी सी की वैल्यू कितनी है बी माइनस यू, प्लस ओ ए की वैल्यू कितनी है यू है और ओ डी की वैल्यू कितनी है टी रख दी, ये आ गया एस बराबर एक बटे दो टी बी माइनस यू प्लस ए टी। अब समीकरण एक पर पहुंचेंगे हम, समीकरण एक में क्या निकाल दी हमने बी बराबर यू प्लस ए टी, वहां से बी माइनस यू का मान निकाल दो, बी माइनस यू का मान कितना आएगा वहां से ए टी, तो यहाँ बी माइनस यू की जगह कितना रख देंगे हम ए टी, तो कितना आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस एक बटे दो टी इंटू ए टी, कितना हो गया टोटल ये एस बराबर यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, ये चीज उस समय में निकलना होगा, सिंपल सा है, बस इतना याद रखो वेग समय ग्राफ में सरल रेखा द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है वो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है, ठीक है, तो हमने वही किया है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालनी थी, तो हमने लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मतलब वो आकृति दो पार्ट में बांट ली हमने, उसमें त्रिभुज भी बनना था आयत भी बनना था, तो हमने लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस आयत ओएसीडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है एक बटे दो आधार गुणा लंब, तो आधार कितना है एसी लंब कितना है बीसी और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, बस AC की वैल्यू रख दी टी, BC की वैल्यू बी माइनस यू, OA की वैल्यू कितनी है U है और OD की वैल्यू कितनी है टी है। अब हमें बी माइनस यू को हटाना है, तो समीकरण एक से हमने बी माइनस यू का मान निकाल लिया कितना ए टी, तो कितना आ गया है एस बराबर यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, ठीक है, द्वितीय समीकरण का निर्माण हो गया। अब हमें किसका करना है तीसरे समीकरण का निर्माण करना है, तो तीसरे समीकरण भी सेम ऐसा ही करते हैं, इसमें भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सरल रेखा द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होती है, ठीक है, तो फिर से वैसे ही करेंगे हम गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, बस अंतर क्या करेंगे हम जो आकृति बन रही थी हमारी जी ये एक क्षेत्र मतलब ग्राफ था हमारा,
अभी दूसरी समीकरण का जब हमने निगमन किया तो हमने इस आकृति को दो पार्ट में तोड़ लिया, त्रिभुज में और आयत में। अब तीसरी समीकरण में जब निगमन करते हैं तो इसे हम दो भागों में लिखकर एक ही भाग को एक ही भाग में लेते हैं, ठीक है। ये अगर इस पूरी आकृति को एक साथ देखें तो ये पूरी आकृति कैसी बनेगी, ये बन रहा है चतुर्भुज, और कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमें तो दूरी निकालनी है, तो दूरी किसके बराबर होगी, इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर, और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ये चार भुजाएं, इसमें एक ये और ये, इन चार भुजाओं में समांतर भुजाएं कौन सी हैं, तो दो समांतर भुजाएं कौन कौन सी, OA और कौन सी BD, ये दोनों समांतर भुजाएं, तो क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी OA प्लस BD, ठीक है, गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है, दोनों समांतर भुजाएं कौन सी थी, ये वाली, इनके बीच की दूरी कितनी, कौन सी है, OD, ठीक है। तो बस ये त्रिभुज के इस आकृति के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, OA और BD, और उनके बीच की दूरी कितनी है, OD। फॉर्मूला लगाया S बराबर गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, समलंब चतुर्भुज OA BD के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और S बराबर कितना जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, OA और BD, तो S बराबर कितना होगा 1/2 OA प्लस BD गुणा OD। OA की वैल्यू U है रख दी हमने, BD की वैल्यू कितनी है, V रख दी हमने, OD की वैल्यू कितनी है, T है, ठीक है, ये आ गया। अब फिर से हमें समीकरण एक समझना पड़ेगा, समीकरण एक हमने क्या निकाली थी, समीकरण की बी बराबर यू प्लस ए टी, यहाँ से बी मुझे मान निकालना टी का, तो कितना आएगा बी माइनस यू बराबर ए टी, और टी बराबर कितना जाएगा बी माइनस यू बटे ए, ठीक है, बस टी की जगह मान रख दीजिए, कितना जाएगा एस बराबर, एस बराबर 1/2 यू प्लस बी, टी की जगह कितना रख दिया हमने बी माइनस यू बटे ए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, कितना हो गया ये 2a को इधर भेज दो, तो कितना जाएगा 2as बराबर कितना जाएगा b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो कितना हो गया b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, गति का तृतीय समीकरण हो गया है, ठीक है, b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सिंपल सा है। दूसरे समीकरण में भी निकालने के लिए गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, तीसरे समीकरण निकालने के लिए भी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे, बस अंतर इतना करेंगे जब दूसरे समीकरण निकालेंगे तब उस आकृति को दो पार्टों में लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, और जब तीसरा समीकरण निकालेंगे तो तीसरा समीकरण जब हम निकालेंगे तो उस आकृति को पूरी आकृति को एक साथ लेंगे, और पूरी आकृति कैसी बन रही है, वो समलंब चतुर्भुज बन रहा है, तो पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो तीसरा समीकरण आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ऐसे ग्राफ की वजह से हम तीनों समीकरणों का निगमन कर सकते हैं, ठीक है, तो तीनों समीकरणों का निगमन हो चुका है, इनकी प्रैक्टिस करके देखना, जो समझ में ना आया हो मुझे मैसेज करके मुझे बता देना, ठीक है, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, पर्सनली कर सकता हूँ, या अगर सब ज़्यादा बच्चों को समस्या आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नोट्स बनाएंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।